हेलो गाइस, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड 12 अपडेट का एक ट्रैकर निकल गया है सामने, जिसमें बताया गया है कौन से डिवाइसों में एंड्रॉइड 12 अपडेट जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, इसके अलावा कौन से डिवाइस में अभी कौन सी टेस्टिंग चल रही है और इंडिया में कब तक देखने के लिए मिल सकता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अगर आप लोग रेडमी पोको एमआई का कोई भी डिवाइस है, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और चैनल पर भी नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी डिवाइस के लिए काफ़ी सारी कमाल की वीडियोज इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलने वाली, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में होता है। तो चलो गाइस, यहाँ पर अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 अपडेट को लेके एक न्यूज़ निकल के आई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि शाओमी की तरफ से ऑफिशियल एंड्रॉइड 12 अपडेट ट्रैकर सामने निकल के आया। यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसों के नाम आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले शाओमी सीरीज़ की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्लियर बताया गया डिवाइस विथ रेड डॉट गॉट स्टेबल एंड्रॉइड 12, यानी कि यहाँ पर जो रेड डॉट देखने को मिल रहा है इनको एंड्रॉइड 12 स्टेबल अपडेट मिल चुका है, और यहाँ पर जो ब्लू डॉट है इनको यहाँ पर अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पर जो ग्रे देखने के मिलता है उनको अपडेट फिलहाल कुछ भी नहीं मिला है और ना ही टेस्टिंग हुई है। तो चलो यहाँ पर फटाफट से बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एम आई नोट 10 लाइट है, एम आई 10 है, MI 10S है। अब MI 10 के लिए अभी अपडेट नहीं मिला, लेकिन बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। इंडिया में भी MI 10 देखने को मिलता है, तो गुड न्यूज़ है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया में भी MI 10 के लिए एंड्रॉइड 12 अपडेट जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। MI 10S के लिए ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पर रेड डॉट आ चुका है। इसके अलावा MI लाइट है, MI लाइट जूम है, MI 10 अल्ट्रा, MI 10T, MI 10T प्रो, MI 10i है और MI 10 लाइट है, इनके लिए अभी कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर MI 11 है, MI 11 प्रो है, MI 11 अल्ट्रा है, इनके लिए ऑलरेडी मिल चुका है। MI 11 आई की बात करो तो MI 11 X, MI 11 प्रो, इनके लिए अभी फिलहाल नहीं मिला, और MI 11 X के लिए मिलने वाला है बहुत ही जल्द, यानी कि यहाँ पर ब्लू डॉट देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो डॉट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे रेड हो गया, जैसे ब्लू हो गया, तो ब्लू को अभी मिलने वाले यानी कि कमिंग सून, यानी कि वेरी सून, यानी कि बहुत ही जल्द अपडेट मिलने वाला। उसके बाद यहाँ पर जिनमें डॉट्स नहीं है उनको देखने के लिए मिलने वाले अपडेट्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MI 11 लाइट का नाम है जो कि रेड डॉट के साथ है, यानी कि यहाँ पर इनको ऑलरेडी अपडेट मिल चुका है एंड्रॉइड 12 का। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, इनमें से काफ़ी सारे डिवाइस इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलते। चलो यहाँ पर ये बात करते हैं रेडमी के सीरीज, शाओमी सीरीज के बारे में आपको बताया, अब रेडमी के सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो रेडमी के सीरीज़ में कौन से डिवाइस है, यहाँ पर रेडमी के 34G है, यहाँ पर रेडमी के 35G है, 30i 5G है, 30i 35G स्पीड एडिशन है, के 30 प्रो है, के 30 प्रो जूम है, के 30 अल्ट्रा है, के 30S अल्ट्रा है, तो इनके लिए तो अभी फिलहाल मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, एंड्रॉइड 12 के बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं है। इसके अलावा रेडमी के 40 सीरीज़ की बात करो तो ऑलरेडी काफ़ी सारे डिवाइस में एंड्रॉइड 12 अपडेट मिल चुका है, जिनको नहीं मिला आने वाले समय में जल्दी ही मिलने वाला है। इसके अलावा Redmi सीरीज़ की बात करते हैं तो Redmi सीरीज़ में कौन से डिवाइस है, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जिनके पास Redmi 9 Prime का डिवाइस है, गुड न्यूज़ है भाई, यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर आपके डिवाइस का नाम तो देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अपडेट के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कि Android 12 अपडेट अभी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको दो दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि Poco M2, Redmi 9 और Redmi Note 9 के लिए Android 12 के ऊपर काम चल रहा है, जो कि एक टेस्टिंग देखने के लिए मिली है, चाइना में भी इसके ऊपर काम चल रहा है, अब देखते हैं इंडिया में कभी अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक इसमें यहां पर नहीं बताया कि Redmi 9 Prime के लिए Android 12 कितनी जल्दी मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है इतना मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अच्छी न्यूज लग रही है मुझे Redmi 9 Prime यूजर के लिए, तो थोड़ा सा वेट करो और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकल के आएगी मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूंगा। तो यहाँ पर Redmi 9 का भी नाम है, Redmi 9T है, Redmi 9 Power है, तो यहाँ पर ये तो ग्रे टाइप कर दिया, मतलब इनको तो गायब ही कर दिया, पता नहीं इनको अपडेट शायद नहीं मिलने वाले Android 12 का, ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पर इन डिवाइस का नाम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा Redmi 10X 4G है, 10X 4G यानी कि ये जो डिवाइस है इंडिया में Redmi Note 9 के नाम से मिलता है, चाइना में Redmi 10X 4G का नाम मिलता है, तो यानी कि इनको भी अपडेट्स देखने के लिए मिल सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा Redmi 10X Pro है, इसके अलावा Redmi 10 का डिवाइस है जो कि अभी लॉन्च किया गया था, उनको बहुत ही जल्द अपडेट मिलने वाला है। Redmi 10 Prime के लिए भी बहुत ही जल्द अपडेट मिलने वाला है। अब बात करते हैं Redmi Note सीरीज़, पोको सीरीज़ के बारे में बात करते बाद में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi Note सीरीज़ यानी कि Redmi Note 9, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले इंडिया में Redmi Note 9 के नाम से मिलता है, तो Redmi Note 9 के लिए भी मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। Redmi Note 8 का अभी का जो ग्लोबल एडिशन है उसके लिए मिलने वाला है। इसके अलावा Redmi Note 9 5G है, 5G है, 95G 9S है, तो इनके लिए अभी फिलहाल कोई डिटेल नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया गया अपडेट कब मिलेगा। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro इंडियन वेरिएंट है, तो इनके लिए भी अपडेट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो नहीं बताया गया। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro का ग्लोबल वेरिएंट है, उसके लिए भी मिलने वाला कब मिलेगा वो भी कन्फर्म नहीं है।
इसके अलावा Redmi Note 9 Pro Max है, उनके लिए भी मिलेगा लेकिन कंफर्म नहीं कब तक देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट डिवाइस की बात करो तो Redmi Note 10 का डिवाइस है, तो गाइस यहां पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज है क्योंकि यहां पर Redmi Note 10 के लिए Android 12 अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये कौन सा Android 12 अपडेट है तो मैं आपको बता दूं, अभी इंडिया में और ग्लोबल साइड में अभी MIUI 13 अपडेट देखने को मिला है Redmi Note 10 सीरीज में, तो उसमें काफी सारे डिवाइस को Android 12 अपडेट तो साथ में मिला ही है। अब जिनको नहीं मिला तो आप लोगों के लिए एनी टाइम ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। Redmi Note 10s में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मिला, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये चाइना की छोड़ देते हैं, यहाँ पर Redmi Note 10T है, इंडियन वेरिएंट है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अपडेट नहीं मिला लेकिन कब मिलेगा इसके बारे में नहीं बताया गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है Redmi Note 10 Lite इंडियन वेरिएंट है, इसमें भी कब मिलेगा वो बताया नहीं गया। इसके अलावा Redmi Note 10 Pro Max है, इंडियन वेरिएंट है, Redmi Note 10 Pro ग्लोबल वेरिएंट है, तो इनमें से कोई डिवाइस को मिला है कोई डिवाइस को नहीं मिला है। प्रो मैक्स में इंडिया में अभी नहीं मिला है क्योंकि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जिनके पास ग्लोबल वेरिएंट है तो आप लोग ने जाकर अपडेट कर लिया है। अब बात करते हैं Redmi Note 11 सीरीज, Redmi Note 11 सीरीज में आप लोग देख सकते हैं Redmi Note 11 4G वगैरह है जो कि चाइना में मिलता है, लेकिन Redmi Note 11T है इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अपडेट के बारे में नहीं बता लेकिन जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। Redmi Note 11S की बात करूँ, 11 की बात करूँ तो यहाँ पर डिटेल नहीं है कब तक अपडेट मिलेगा, तो वेट करना पड़ेगा। यानी कि जो रेड डॉट है तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है, जो ब्लू डॉट है उनको मिलने वाला है इसके बाद बहुत ही जल्द, और जिनके बारे में डॉट ही नहीं दिया है इसके बारे में मतलब कुछ बताया ही नहीं है तो यहाँ पर उनको मिलने वाला है लेकिन कब मिलेगा कन्फर्म नहीं है। अब बात करते हैं गाइस पोको सीरीज, पोको सीरीज में काफ़ी सारे डिवाइस है, लगभग सभी डिवाइसों में अपडेट्स मिलने वाले, जैसे आपके पास पोको F2 Pro हो गया, पोको F3 हो गया, पोको X2, X3, X3 Pro, पोको X3 GT, पोको M2, M2 Reloaded, पोको M3 Pro है, पोको M2 Pro है, इसके अलावा पोको M4 Pro है, काफ़ी सारे डिवाइस, सभी डिवाइसों में Android 12 अपडेट मिलने वाला है। बस यहाँ पर कौन सा डिवाइस जिसको नहीं मिल सकता वो डिवाइस है पोको M3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उनको हटा दिया गया एक तरीके से, तो इन डिवाइस को अपडेट्स नहीं मिल सकते Android 12 के, चांसेस कम है, बाकी Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है अपडेट मिलेंगे या फिर नहीं तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन Poco X3 Pro आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर गुड न्यूज़ है, Poco X3 Pro मेरे पास, Poco X3 Pro है मेरे लिए भी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर Android 12 का अपडेट बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है, बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है। यहाँ पर डॉट दिखाया गया ब्लू कलर का, इसका मतलब बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है, एनी टाइम अपडेट मिल सकता है, शायद यहाँ पर ये अपडेट आपको फेब्रुआरी में भी मिल सकता है एंड तक, तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बनाया, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। पोको F3 के लिए भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ये Xiaomi Mi Pad सीरीज इंडिया में नहीं मिलते, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये था ऑफिशियल Xiaomi Android 12 अपडेट ट्रैकर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से डिवाइस को सबसे पहले अपडेट मिलने वाला, कौन से डिवाइस को बाद में मिलेगा, कौन से डिवाइस को मिल चुका है Android 12 का अपडेट। और मैं आपको बता दूं Android 12 अपडेट आपको MIUI 13 के साथ ही मिलने वाला है, बस कुछ डिवाइस ऐसे जिनको शायद पहले देखने के लिए मिल सकता है MIUI 13 से पहले, बाकी ऑलमोस्ट दोनों अपडेट साथ में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अपडेट ट्रैकर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई, वीडियो पसंद आई फटाफट इसको लाइक करो, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा उसको प्रेस करके बाजू में बेल आइकन उसको ऑल पे भी कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती ही रहेगी और आप लोग अपना अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लो यार, फ्यूचर में सभी अपडेट्स की न्यूज़ और लिंक्स आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर अपडेट आता है वहाँ आप लोगों ने मिस कर दिया फोन में तो आप लोग यहाँ से अपडेट कर पाओगे, फ्री में होता है। तो वीडियो पसंद है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना मिलते अगले वीडियो में।